किसान टेक्निकल महिंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए महिंद्रा के नोवो 605 DI PS फोर व्हील ड्राइव की वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और ट्रैक्टर में जो जो फीचर महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी दे रही है उन सभी फीचरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट पे महिंद्रा का 3D लोगो देखने को मिलता है और फ्रंट पे ये आपको होरिजन लैंप देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर के इंजन को जाली के द्वारा अच्छे तरीके से कवर किया गया और फ्रंट पे हम देखते हैं ट्रैक्टर को टोजन करने के लिए या यहाँ से अलग से हुक दी गई है। ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसमें आपको करारो का फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें आपको 9/5/24 के काफ़ी बड़े साइज़ के टायर देखने को मिलते हैं जो कि सिल्वर कलर के रिम के साथ इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। अब हम आपको ट्रैक्टर का बोनट ओपन करके दिखाते हैं कि यहाँ ये जो नोब लगी हुई है इससे हम ट्रैक्टर का बोनट ओपन करते हैं। जैसे ही हम बोनट ओपन करते हैं तो अपने आप बोनट पूरी ऊंचाई के साथ ओपन हो जाता है और ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का अगर मैकेनिक या फार्मर किस तरह का रिपेयर या ट्रैक्टर को चेक करता है तो उसके लिए उसमें पूरा स्पेस दिया गया है। जैसे ही ट्रैक्टर का बोनट ओपन करते हैं तो फ्रंट में हमारे सामने बड़े टाइप का एयर फिल्टर ड्राई टाइप देखने को मिलता है। इसमें आपको बड़े साइज का रेडिएटर देखने को मिलेगा जो कि जाली के द्वारा कवर किया गया है। यहाँ जो आप ये बोल्ट देख रहे हैं इनको खोल के ये जाली साफ़ करके इसका कचरा निकाल सकते हैं। रेडिएटर में पानी की रिकवरी के लिए यहाँ अलग से एक रिकवरी बोतल लगाई गई है जो रेडिएटर के अंदर पानी कम होने से ऑटोमेटिक इसके अंदर पानी रिफिल हो जाता है। ट्रैक्टर के सिलेंडर की बात करें तो इसमें आपको 4 सिलेंडर का बोस कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलता है। ट्रैक्टर के सीसी की बात करें तो इसमें आपको 3533 सीसी का काफ़ी बड़े साइज का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। वाटर कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप डबल फ्यूल फिल्टर देख रहे हैं। स्टार्टर मोटर की बात करें तो इसमें आपको 2.5 किलोवाट का लुकस कंपनी का स्टार्टर मोटर देखने को मिलता है। यहाँ आप ये अल्टरनेटर देख सकते हैं। पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए इसमें यह जो डोटी कंपनी का हाइड्रोलिक पंप दिया गया है जो कि इसमें 42 लीटर पर मिनट का ऑयल फ्लो इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर दिया गया है मोबिल का और ये मोबिल का एक और फिल्टर दिया गया है। यहाँ ये जो पॉइंट दिया गया है इससे हम ट्रैक्टर के इंजन का मोबिल चेक कर सकते हैं। इंजन में मोबिल की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर इंजन ऑयल का चैम्बर मिलता है। यहाँ हम आपको बैटरी बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं। इसमें आपको एक साइड का 88 एम्पियर का बैटरी देखने को मिलता है जो कि इसमें एक बेस्ट और सफिशिएंट क्वालिटी देता है। ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें आपको 2-स्टेप फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जो कि मैट के द्वारा अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इस पर आपको अलग से किसी तरह का मैट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए डबल हैंडल ग्रिप दिया गया है लेफ्ट और राइट साइड दोनों में। यहाँ से आप हैंडल को पकड़कर ट्रैक्टर के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं। अब ट्रैक्टर की स्पीड की बात करें तो इसमें आपको फुली सिंक्रो शटल शिफ्ट दिया गया है जिससे आपको इस ट्रैक्टर में 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स 30 स्पीडें इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है जो कि आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से ये शटल शिफ्ट ऑपरेट होता है। क्लच पेडल की बात करें तो इसमें आपको सस्पेंडेड क्लच पेडल देखने को मिलते हैं और सस्पेंडेड ब्रेक पेडल देखने को मिलते हैं जो कि आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। यहाँ ये पार्किंग ब्रेक दिया गया है। ट्रैक्टर के क्लस्टर मीटर की बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर देखने को मिलता है जो कि ट्रैक्टर में सभी प्रकार के अलर्ट इस इंडिकेशन क्लस्टर मीटर के इंडिकेशन हो जाते हैं। इसमें आपको 5 रेंज गियर देखने को मिलते हैं।
पीटीओ की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पल पीटीओ दिया गया है। इसको आप आसानी से इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। पीटीओ की स्पीड की बात करें तो इसमें आपको फॉरवर्ड और रिवर्स टू स्पीड पीटीओ देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी, इस ट्रैक्टर में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ और पोजिशन कंट्रोल के लीवर देखने को मिलते हैं। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वाल्व का लीवर दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको डबल ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिलता है। ट्रैक्टर के लिफ्ट की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी महालिफ्ट के नाम से अपनी हाइड्रोलिक दे रही है, जिसमें लिफ्ट की कैपेसिटी आपको 2700 kg की देखने को मिलती है, जो कि 50 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टरों में सबसे ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। इसमें लोअर लिंब की लंबाई और मोटाई को बढ़ाया गया है। दोनों साइड आपको एडजस्टेबल जैक देखने को मिलते हैं। यहाँ यूक पॉइंट दिया गया है और लोअर लिंब को एडजस्ट करने के लिए अलग से टॉप लिंब की तरह डिजाइनिंग किया गया है। हाइड्रोलिक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको डबल स्पूल वाल्व देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छी सेंसिंग इस ट्रैक्टर के अंदर महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी अब लगा के दे रही है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आपको देखने को मिलता है। रियर एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको प्लानिटरी ड्राइव या ईपी साइकिल का रिडक्शन देखने को मिलता है, जो कि हैवी ड्यूटी का रिडक्शन माना जाता है। अब हम इसके रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको 16x28 के काफ़ी बड़े साइज के टायर देखने को मिलते हैं और ट्रैक्टर के फेंडर को सिल्वर कलर की क्लैडिंग के साथ अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इस ट्रैक्टर के अंदर एक शानदार लुक देखने को मिलती है। अब हम ट्रैक्टर के फोर व्हील के बारे में बताते हैं। तो महिंद्रा कंपनी का ये ट्रैक्टर नोवो 605 PS, इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव के लिए यहाँ ये लीवर दिया गया है। ऊपर की तरफ ऑपरेट करने पर ये फोर व्हील और नीचे की तरफ ऑपरेट करने पर टू व्हील इंगेज हो जाता है। यहाँ आप ये डिफरेंशियल लॉक दे रहे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी के सभी मॉडलों में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ जो आप ये नीचे ड्रॉप बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ फोर व्हील का लीवर इंगेज और डिसंगेज होता है। प्रोपेलर शापर्ड को डबल कवर के द्वारा इसमें फिटमेंट की गई है। एक ऊपर रबड़ की कवर दिया गया और नीचे लोहे की पत्ती के द्वारा अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ताकि फील्ड में चलते वक्त इसमें किसी तरह का कुछ घास फूस ना फंसे। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। ग्रे कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फोर व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर V1 का जो आप ये लोगो देख रहे हैं, ये लोगो महालिफ्ट और हाइड्रोलिक के लिए लगाया गया है। फुली सिंक्रो शटल शिफ्ट। ड्राइवर सीट की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलती है, जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे और पीछे ऑपरेट कर सकते हैं। बोनट भी आसानी से बंद हो जाता है। तो आज हमने आपको महिंद्रा के नोवो 605 DIPS फोर व्हील ड्राइव की वीडियो के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप और किसी मॉडल के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद।